नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इलेवन आईपीएल के चौथे मैच के प्रीव्यू वीडियो के साथ मैं आपका भाई आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पीबीसी क्रिकेट पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच के मुकाबले के बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे क्या होने वाला है चेन्नई का प्लेइंग इलेवन, क्या होने वाला राजस्थान रॉयल्स का प्लेइंग इलेवन, कैसी होगी पिच और फिर कौन जीतेगा ये मैच। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सीएसके की प्लेइंग 11 से। तो सीएसके की ओर से ओपनिंग करने आएंगे मुरली विजय के साथ शेन वाटसन, 3 नंबर पर फैब डुप्लेसी, 4 नंबर पर अंबती रायडू, 5 नंबर पर MS धोनी, 6 नंबर पर केदार जाधव, 7 नंबर पर रविंद्र जडेजा, 8 नंबर पर सैम करन, 9 नंबर पर दीपक चहर, 10 नंबर पर पीयूष चावला और 11 नंबर पर दोस्तों लुंगी एंगेडी। हालांकि दोस्तों, चेन्नई चाहे तो मुरली विजय की जगह शार्दुल ठाकुर को खिला सकते हैं, पर इसके चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग बिना कोई बदलाव के इस मैच में उतरने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की। तो राजस्थान रॉयल्स की ओर से ओपनिंग करने आएंगे जॉस बटलर के साथ अंडर 19 स्टार यशस्वी जायसवाल, 3 नंबर पर संजू सैमसन, 4 नंबर पर स्टीव स्मिथ, 5 नंबर पर रियान पराग, 6 नंबर पर डेविड मिलर, 7 नंबर पर श्रेयस गोपाल, 8 नंबर पर जोफ्रा आर्चर, 9 नंबर पर मयंक मार्कंडे, 10 नंबर पर जयदेव उनाटकट और 11 नंबर पर अंकित राजपूत। देखा जाए तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की ओर से बहुत बड़े प्लेयर रॉबिन उथप्पा और इन फॉर्म इंग्लिश गेंदबाज टॉम करन शायद पहले मैच में बाहर बैठ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पिच की। तो दोस्तों, पिच में थोड़ी बहुत घास होने वाली है, पेसर्स को अर्ली स्विंग मिलने वाला है और बल्लेबाजी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। तो अब बात करते हैं फाइनल मैच प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग बहुत ही मजबूत और इनफॉर्म लग रही है, साथ ही साथ उनके बॉलिंग भी पहले मैच में काफ़ी तगड़ी लगी थी। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की, तो उनके बहुत बड़े बड़े प्लेयर जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ और डेविड मिलर बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स के 90% प्लेयर्स पिछले 6-7 महीने से कोई भी क्रिकेट मैच नहीं खेले हैं। तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 2 दिन पहले ही सिर्फ मैच खेल कर ही नहीं दोस्तों, बल्कि जीत कर आ रही है। तो दोस्तों, इस मैच पर राजस्थान रॉयल्स के ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स की दबदबा रहने वाली है और पीबीसी क्रिकेट आपको बता रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे मैच में लगातार जीतेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैच नंबर 5 के प्रीव्यू वीडियो के साथ कल हम फिर वापस आएंगे। पर जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।